गोविंदा और भांजे कृष्णा अभिषेक में हुई सुलह। जी हाँ, 7 साल पुरानी तकरार हुई है खत्म और अब दोनों आ गए हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब। यकीन नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं इन ताज़ा तस्वीरों को। आखिर किस तरीके से दोनों साथ में लगा रहे हैं ठुमके। और देखते ही देखते मामा भांजे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। बता दें आपको, ये नज़ारा है कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का। जी हाँ, इस शो का दूसरा सीज़न बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि अब सामने आ गया है एक नया प्रोमो जिसमें बरसों बाद एक बार फिर से गोविंदा अपने भांजे कृष्णा के साथ मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। इस शो का आने वाला ये एपिसोड यादगार होने वाला है। दरअसल कृष्णा अभिषेक का अपने मामा गोविंदा के साथ पिछले करीब 7 सालों से बड़ा झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब ये दूरियां मिटने लगी हैं और एक बार फिर से दोनों मामा और भांजे कॉमेडी के इस शो में साथ मिलकर तड़का लगाते नजर आएंगे। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें कमाल की तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में इन दोनों की मस्ती और इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो साफ देखी जा सकती है। दोनों के चेहरे पर है बहुत बड़ी सी मुस्कान, दोनों के स्टेप्स नज़र आ रहे हैं डांस के बिल्कुल सेम टू सेम। इतना ही नहीं, दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर अब एक दूसरे को गले से लगाते आ रहे हैं नज़र, और फैंस ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। बता दें आपको, सेट पर कृष्णा अभिषेक कहते नज़र आ रहे हैं, बहुत साल बाद मिले, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। इसी के साथ दोनों गले मिलने लगते हैं। इसके बाद गोविंदा की तारीफ में कृष्णा ने कहा, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन और मामा नंबर वन। ये सुनते ही गोविंदा कहते हैं, ये मामा नंबर वन का क्या मतलब हुआ? हल्के में लेके मामा बना रहा है क्या? इस दौरान कृष्णा की बहन आरती की भी एक झलक नज़र आई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बरसों से इस वक्त का कर रही थी इंतज़ार। और जैसे ही उसने देखा है कृष्णा और गोविंदा को गले से लगते हुए, वो हो गई है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने कहा था, लंबे समय के बाद ये मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक होने वाला है। मैंने स्टेज पर भी बोला कि मेरे 7 साल का वनवास खत्म हो गया है, हम अब साथ हैं और हमने साथ में डांस किया, खूब मस्ती की। इसी दौरान उन्होंने मामी सुनीता से बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मेरी अभी तक मामी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी ठीक होंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मामी ठीक हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो मामा को शो पर नहीं आने देती। इतना ही नहीं, कृष्णा ने ये भी कहा था कि मामी ही मामा के सारे वर्क कमिटमेंट्स हैंडल करती हैं और अगर उन्हें दिक्कत होती तो वो शो के लिए कभी भी राजी नहीं होती। वैसे वाकई में जिस तरीके से कृष्णा अभिषेक ने मामी को लेकर अब कही है बात, उससे तो यही लग रहा है कि अब रूठी हुई मामी भी कृष्णा को माफ़ कर चुकी हैं। बहरहाल, वीडियो कैसा लगा, क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइए कमेंट करके। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही।